दिल्ली का सिंघू वाटर इन्हों दिनों के अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटी बैठा है। ये जगह एक अजिहे रिश्तिया की दुनिया बन चुकी है जिथे कि अनजाण होंदे हुए भी सारे एक डोर के बंद चुके ने। वो इंसान जो सिर्फ अपनी अपने परिवार की फिक्र तक ही सिमटे सन, उन्होंने हुण दूसरे दुख तकलीफ नूं घट करना भी ज्यादा मायने रखता है। फ्रेंच में यूनिवर्सिटी टप रही इशविंदर इन्नी दिनी सिंघू बार्डर के लंगर के रोटियां मिल रही है। बाइक से यात्रा करना उसनू बहुत पसंद है। यात्रा के दौरान होने वाले अनुभवों अपने विकास के लिए अहम मानती है। इशविंदर का इन्हों दिनों सिंघू बार्डर के पक्का डेरा है। इशविंदर उसके दोस्त और करीबी लोग फ्रेंच कौर के नाम के नाल बुलाते हैं। इस नाम के पिछे की वजह यह है कि इशविंदर ने पटियाला यूनिवर्सिटी के फ्रेंच भाषा तो टॉप किया। इस तो अलावा ऑल अबाउट लाइफ एंड फ्रेंच कौर के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाती है। सिंघू बार्डर आने तो बाद इशविंदर किसान अंदोलन के नाल जुड़े अपडेट अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड करती है। जेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगालिया जाए तो पंजाबी महिला का एक नवा चेहरा सामने आता है। अजिही महिला जो दलेर है, मजबूत है, आत्मनिर्भर है और अपने फैसले खुद लैण दे विच समर्थ है। इशविंदर कहती है कि मेरे पिता का एक दशक पहला देहांत हो गया सी, तां उन्होंने सब कुछ अपने आप ही करना सीखा। उन्होंने फ्रेंच यूनिवर्सिटी में टॉप किया और यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल फ्रेंच सिखाने लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा इंटरनेट कनैक्शन अच्छा नहीं है, फिर भी वो अंदोलन के नाल जुड़े अपडेट लगातार पोस्ट करने की कोशिश करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाजी कम टीवी।